स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दीपक जैसा गुरु। कैसे आप सब, दुआ करते हैं जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज सोना परी देख सकते हैं कैसी लग रही है हमारी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो हमारी प्यारी फैमिली आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और शेयर भी करिएगा। और देख सकते हैं सोना परी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है और बुखार उखार है, सर्दी का मौसम भी चल रहा है। गर्म पानी का सेवन करिए। और रात को आप लोग को बताते हैं कि युवराज का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, हम लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ पे दवा हुआ उसका चला, ड्रिप लगा, कुछ दवा मिला, फिर उसके सर दर्द को आराम ही नहीं मिल रहा था। तो दो घंटे हम लोग हॉस्पिटल में लेके उसको एडमिट थे, फिर डॉक्टर ने बोला लेके जाओ घर पर। तो घर पे लेके आए तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हम लोग 3 बजे सुबह तक जागते रहे, नींद नहीं लग पाई उसको, इतना ज़्यादा सर्द इतना ज़्यादा बुखार कि बुखार छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ किटों का भी कॉल आने लगा, वीडियो कॉल तो आप लोग को दिखाते हैं, सब लोग दिल्ली में परेशान हो कि क्या हो गया, अभी इतना जल्दी सही था अचानक से इसको क्या हो गया। वो सुबह से ही सही था, ये क्या है कि उसको शायद ठंडी लग गई होगी या फिर टाइफाइड मलेरिया या डेंगू फैला हुआ है, वो सबकी भी दिक्कतें थी। तो जांच रिपोर्ट वगैरह सब आ गया है, अब उस घर पे तो नहीं है। हम सुबह गए थे कुछ देखने करने। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यार देते रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं, हमारे यहाँ रामलीला भी स्टार्ट हो चुकी है और प्रोग्राम भी हो रहा है, हमारे यहाँ भरत मिलाप भी है 15 तारीख को। तो आप लोग को कुछ वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं, कैसे राम भगवान का आरती होता है और कैसे कैसे प्रोग्राम होती है। तो बने रहेगा वीडियो में, आप लोग बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। A few moments later, आज से शुभारंभ हो गया चोरी बाजार का ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला, जो कि रामलीला का आयोजन आज से ही स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, भगवान राम की आरती होने वाली है। आप लोग को दिखाते हैं, कुछ प्रोग्राम भी होगा तो उसमें बने रहेगा वीडियो में, दिखाते हैं, बहुत इंजॉय होने वाली इस वीडियो में, छूट के मच जाएगी आप लोग। पूरे बाज़ार में ट्यूबलाइट के खम्भे गाड़ दिए गए हैं, पूरा मार्केट सजा हुआ है, हर घर पे झालर चमक रहा है और रोड पे ट्यूबलाइट के खम्भे लगे हुए हैं। बहुत ही भीड़ होती है हमारे यहाँ का ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला होता है, यहाँ पे करीब लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है। आप लोग भी आ सकते हैं मेला घूमने के लिए। और देख सकते कितनी भीड़ है यहाँ पर, हमारे मित्र लोग भी पीछे खड़े हुए हैं, आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन है। देखिए सब हमारे बाज़ार के सब लड़के ही हैं, हम आप यहाँ पर आ गए थे और यहाँ का लोकेशन भी हम लोग को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए पीछे हमारे सब मित्र खड़े हुए हैं, सब भाई हैं चोरी बाजार के, हमारे भाई भी कर रहे हैं सब लोग कैमरे को। चलिए दिखाते हैं रामलीला की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। रामलीला में थे और ये धनुष है परशुराम, जो कि शिव धनुष है, इसको राम भगवान आज तोड़ेंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा था रामलीला का आनंद लेते हुए। यहाँ पे इतनी पब्लिक थी, आप लोग को दिखाते हैं कितनी पब्लिक है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ रामलीला बहुत अच्छा होता है। और देखिए कितनी पब्लिक की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, दूर दूर से हमारे गाँव में सब आते हैं देखने के लिए रामलीला। हुआ है हरे तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ है? हरे महाराज मेरे आगमन के धर्म हमारे
याद करें कि मैं धनुष खंडन करने के लिए आया हूं। A few moments later, यहाँ पे यूवी की तबीयत थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और हम लोग इसको डॉक्टर लेके गए थे। वहाँ मम्मी जी हमारी देखिए बैठ के इसकी सेवा कर रही हैं, इधर मानसी भी है और बेटा भी है, सब लोग हैं। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो गई थी कि यूवी को क्या हो गया है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसको कितना उड़ाना, इसको उड़ाए हुए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। सोचिए इतना ज़्यादा बुखार हो गया, हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गए। हम लोग को बहुत टेंशन हो गया कि क्या हो गया इसको, अचानक से इसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। और देखिए कितना ओढ़ा हुआ है, दिखाते हैं हम लोग एक पीस। हम एक दो उठ भी नहीं रहे, तीन चार पाँच, पाँच तो ओढ़ा हुआ है और इसकी तबीयत देखिए एकदम सो गया है। और बुखार तो इसको बहुत ही ज़्यादा है, बहुत तेज ही, कम से हम समझ सकते हैं कि करीब 170-180 से कम बुखार नहीं होगा। हमारी मम्मी, हमारे सब परिवार परेशान, देख सकते हैं सब परिवार परेशान हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बाबू 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 बहुत ज़्यादा है, सर पे पानी रखती रहो सही हो जाएगा। उड़ा दो इसको, उड़ा दो एकदम बढ़िया से। हाँ वो छोटा वाला कंबल से जो सर के पास ना उससे ढक दो मुँह, थोड़ा गर्म लगेगी तो इसको आराम मिल जाएगा ऑटोमेटिक ही। पट्टी रख रही है ना? हाँ पट्टी रख रही है ना, ठीक है। और उस घर पे चाची हैं तो घर छोड़ के नहीं आ सकती, तो मम्मी हमारी हैं, सेवा कर रही हैं। और इधर हमारे चाचा युवराज के पापा, मम्मी, चाची, आंटी और ये मानसी, हमारा भांजा, ये देखिए हमारे चाचा का लड़का ये भी है। सब लोग समझ लीजिए इतने परेशान हो गए थे हम लोग, क्या बताएं, ज़्यादा ही बुखार हो गया था इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो जाए एक अचानक से इसको। तो सब लोग थे तो इसको चलते दाल का पानी नहीं पिलाते हैं। अब देखिए दाल का पानी भी पी लिया है, फिर पानी गर्म पानी का सेवन भी करा रहे हैं। इस पपीता का कुछ बात पेटे में कुछ आराम मिला था, पिया था पानी, वह पट्टी रखो थोड़ा सा आराम मिलेगा, सही रहेगा, ठीक है। मुँह पोछ दो, बम मिला लो, लो थोड़ा बम लगा दो, स्वास्थ्य सर को आराम मिल जाए। लो हल्का हल्का लगा दो। इसी बीच किट्टो का फोन आ गया है, अब देखते हैं क्या कहती है। इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो हम बात कर रहे थे, बोल रही थी, हलचल ले रही थी। वो भी दिल में परेशान हो गई थी कि क्या हो गया अचानक से युवराज को। और ये लोग भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, दिल्ली में रहते हुए भी बदना देवी साथ में थी, वो भी हाल चाल युवराज का। ये लोग सोची कि अचानक से युवराज को हो क्या गया, आखिर अभी सुबह इतना सही था, अभी हमारी उससे बात हुई थी, ये हमसे बात करी थी कि तो क्योंकि आवाज़ ये सुनाई नहीं दे रहा था, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, नहीं तो आप लोग को सुनाते ज़रूर। ये लोग भी कितने परेशान हुए, सजेशन दे रही थी, बोले थे हॉस्पिटल लेके चले जाए रातों रात। तो 11:22 बज रहा था, बताइए 11 बजे रात में जो भी हमारे नज़दीक हॉस्पिटल थे वहाँ पर तो लोग गया, दवा ववा चला, ड्रिप चढ़ा, पानी चढ़ा का 2 बोतल, फिर डॉक्टर ने बोला ले जाइए घर पे आराम कराइए, 2-4 घंटे में आराम मिल जाएगा। इसका युवराज का तबीयत इसलिए ख़राब हो गया कि उसका सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था, बुखार भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोग भी परेशानियाँ झेलना पड़ी। और किट्टो को जब पता चला तो किट्टो वीडियो कॉल करके युवराज का हाल चाल ली, हम दिखाएँ उसको, परेशान तो हो गई थी क्या बताएं। अब बने रहेगा हमारे वीडियो में आप लोग। नेक्स्ट डे सुबह का टाइम हो चुका है, रात भर तो सब लोग परेशान हो चुके थे, यूवी की तबीयत ख़राब था। तो देखिए इधर हमारी सिस्टर है ममता, जो कि नहा धो के एकदम रेडी हो गई है, प्याज हाय गाइस, हाय गाइस, लहसुन छील रही हैं, ये पालक पनीर के लिए, पालक पनीर बना रही हो क्या? हाँ, उसका रेसिपी बता देना, बताते बताते ओ बनाओ पड़ेगा। उधर उधर हमारी मौसी देखिए आराम फरमा रही है थोड़ी सी, और मानसी इधर देखिए, हाय गाइस, अनार और आंटी हमारी देखिए आटा गूंथ रही है। अब आप लोग को अभी युवक दिखाते हैं, उसकी तबीयत तो खराब हो गया था, देखते हैं सुबह क्या हालत है। आराम मिल गया? सुबह कुछ आराम कि टहलने दो थोड़ा, टहलेंगे। तो रात को 3 बज गया था हम लोग को सोते सोते, पूरी रात हम जागे हैं, पूरी रात ये जागी है और हम भी जागे थे। इधर सोया सो रहा है, आराम तो कुछ मिल गया है,
हल्का हल्का बुखार है, अभी सही हो जाएगा। और ये देखिए झूला और ब्रेक डांस झूला है, और ये रिंग वाला झूला है जो कि आ चुके हैं चोरी बाजार में मेले का आनंद और शोभा बढ़ाने के लिए। ये जब पूरा तैयार हो जाएगा तो हम लोग को दिखाते हैं।